गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों कैसे हैं? ठीक हैं? पेपर वगैरह अच्छे से दे रहे हैं? चलो अच्छे से रहो, पढ़ाई करो, मस्ती करो, आ पेपर दो। अच्छा अच्छा ठीक है बच्चों। मैं आज आपको मैंने चैप्टर सिक्स छः चैप्टर पढ़ा दिए हैं। आज हम चैप्टर पढ़ रहे हैं सेवन, प्रेरक व्यक्तित्व। बच्चों में बहुत सारे हमारे भारत देश में बहुत सारे से महान व्यक्ति ने जन्म लिया है और उनके जन्म से उन्होंने हमारे देश को इतना कुछ दिया और इनसे जो है हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे महान व्यक्तियों में मैं यहाँ तीन जो व्यक्ति हैं, पहले स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरे सुभाष चंद्र बोस और तीसरे मैं आपको बता रही हूँ हमारे नेताजी लाल बहादुर शास्त्री। बच्चों मैं तीनों के बारे में आपको बताती हूँ कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना करने वाले थे। हमारे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। बच्चों स्वामी दयानंद सरस्वती थे वो मूर्ति पूजा और पाखंड के घोर विरोधी थे। वो कहते थे कि ये लोग जो है मूर्तियाँ बनाकर बेचते हैं, पैसे कमाते हैं, वो उनका विरोध करते थे। उनको बहुत बुरा लगता था कि लोग भगवानों की मूर्तियाँ बनाते हैं और उनको बेचते हैं, पैसा कमाते हैं, यह बहुत गलत है। तो इस पाखंड का मतलब जो ढोंग करते थे, ढोंगी लोग जो है भगवान की मूर्तियाँ बना रहे हैं, बेच रहे हैं, तो कहते थे कि लोग भगवानों को बेचते हैं, तो इसलिए वो उनका घोर विरोध करते थे। इस प्रकार विरोध करने से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था। जो लोग देवी देवता की मूर्तियाँ बनाकर बाजार में बेचते थे, परिवार का खर्च चलाते थे, तो जब इन्होंने जो है इसका विरोध किया स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, तो फिर बाद में वो लोग उन्हें किसी न किसी प्रकार हमेशा हानि पहुंचाते रहते थे। वे लोग जो है जिनका स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा का विरोध किया, जो ढोंगी थे, पाखंडी थे और जो है भगवान के जो है मूर्तियाँ बनाकर बेचते थे और झूठ बोलते थे, ऐसे लोगों का उन्होंने विरोध किया, तो वो लोग इनके विरोधी हो गए और वो हमेशा स्वामी दयानंद सरस्वती को कोई ना कोई नुकसान पहुँचाते रहते थे। एक दिन किसी पाखंडी व्यक्ति को ऐसा अवसर मिल गया, उन्होंने कहा आज तो मुझे इनका जो है कुछ करना ही चाहिए। जब वह स्वामी जी को हानि पहुँचा सके, उन्होंने सोचा मुझे आज स्वामी जी को हानि पहुँचानी चाहिए। उन्होंने स्वामी जी को पान में, जब वो पान करते उनके पान में क्या मिला दिया बच्चों? विष मिला दिया, जहर मिला दिया। तो जहर मिला दिया, स्वामी जी को शीघ्र इस बात का पता चल गया, क्योंकि तो सच्चे स्वामी थे, उनको पता चल गया कि इसमें जहर है। उन्होंने खा लिया जब, लेकिन उन्होंने उस आदमी को कुछ भी नहीं कहा और तुरंत विष को उन्होंने क्या किया, बागी क्रिया करके उन्होंने विष को अपने शरीर से बाहर निकाल दिया और अपने प्राणों की स्वयं रक्षा की। किन्होंने? स्वामी दयानंद सरस्वती। लेकिन उन्होंने उस आदमी को कुछ भी नहीं कहा। यह सब जानते हुए स्वामी जी ने अपराधी से कुछ भी नहीं कहा, मानो कुछ हुआ ही नहीं हो। बच्चों यह घटना अनु शहर की है। उस समय वहाँ सैयद मोहम्मद, कौन थे बच्चों? सैयद मोहम्मद नामक एक तहसीलदार थे। कहाँ के? अनूप शहर के। अनूप शहर की यह घटना है, जब उन्होंने विष, उनको एक व्यक्ति ने विष दे दिया था, तो उस समय वहाँ पर जो है सैयद मोहम्मद नामक एक तहसीलदार थे। वे स्वामी जी के बहुत प्रशंसक थे, वो स्वामी जी की बहुत प्रशंसा करते थे। वो कहते थे स्वामी जी कितने महान हैं। तो उनको जब ये बात पता चली तो उसने तुरंत उस अपराधी को बंदी बना लिया। क्या करा? बंदी बना लिया। यह उन्होंने सोचा मैंने ये काम करके अच्छा किया है। तो जो जैसे ही उन्होंने वो कुछ उन्होंने जो काम करके प्रशंसा पाने से तहसीलदार स्वामी जी के पास गए, उन्होंने कहा देखो इस अपराधी ने आपको जहर दिया था, मैं इसको पकड़ कर लाया हूँ, इसने बहुत गलत किया है। परंतु स्वामी जी को तहसीलदार का यह कार्य बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने ये कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, जिसने गलती की है तो मैं भी गलती नहीं करूँगा इसको पकड़ कर, इसलिए इसको कुछ नहीं कहना। परंतु वह उससे कुछ नहीं बोले। तहसीलदार को स्वामी जी का व्यवहार देखने लग गए कि मैं तो उनके अपराधी को पकड़ के लाया हूँ, लेकिन स्वामी जी ने मुझे ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि अच्छा किया है क्या। तो फिर उनको अजीब सा लगा, तो उनकी फिर उनको स्वामी जी से नाराज़गी का कारण पूछा। उनकी बात सुनकर स्वामी जी पता है क्या बोले बच्चों? अच्छे से सुनो, मैं संसार को बंदी बनाना नहीं चाहता, बल्कि स्वतंत्र होने का मार्ग दिखाना चाहता हूँ। अगर दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो भला हम अपनी श्रेष्ठता क्यों छोड़ें? दुष्ट व्यक्ति तो बुरे काम करेगा, लेकिन हम अच्छे लोग हैं तो हम तो अच्छा काम करें ना।
अच्छे लोगों को अच्छा काम करना चाहिए, बुरे लोग तो बुरा काम करते ही हैं, तो इसलिए अगर हम भी बुरे बन जाएंगे तो फिर मतलब क्या रहेगा। इसलिए वो बोले कि मैं किसी को पकड़ कर कैदी नहीं बनाना चाहता, मैं सबको स्वतंत्र देखना चाहता हूँ। तो हमेशा ऐसे महान व्यक्तियों की कहानियों से हमें क्या मिलती है बच्चों? प्रेरणा मिलती है। और स्वामी जी की बात सुनकर तहसीलदार नतमस्तक हो गया। उन्होंने कहा देखो कितने महान हैं स्वामी जी, जिन्होंने उन लोगों को माफ़ कर दिया जो लोगों ने उनको जहर दिया था। ऐसे महान व्यक्ति थे। ऐसे दूसरे हमारे सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस में वीरता, साहस और देशभक्ति के गुणों कूट कूट कर भरे हुए थे। वे महान देशभक्त थे। कौन थे बच्चों? महान देशभक्त थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने अपने देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। ऐसे महान बच्चे, इसके इनके बारे में सुनो। नेता सुभाष चंद्र जी में वीरता, देशभक्ति के गुण भरे हुए थे। जब एक बार वो सुभाष जी स्कूल में पढ़ते थे, तब उनके कटक शहर में, कौन सा शहर था बच्चों? कटक शहर में हैजा फैल गया। हजारों लोग मौत के मुंह में आ गए। सुभाष अपने साथियों के साथ बीमार लोगों की सेवा करने लगे। यानी हैजा फैल गया था, जैसे अभी क्या फैला है बच्चों? कोरोना फैला है। और सब लोग देखो कितने महान हैं जो हमारी सेवा करते हैं। ये डॉक्टर्स हैं, ये पुलिस है, ये सारे लोग हमारी सेवा कर रहे हैं, हमको बचा रहे हैं। तो उसी प्रकार ये पहले हैजा फैला हुआ था बच्चों। हैजा फैलने के कारण सब लोग मरने लगे, और जब लोगों को खाने को नहीं मिला तो तब जो है ऐसे समय में इस कटक शहर में हैजा फैलने पर हजारों लोग मौत के मुंह में आने लगे। और सुभाष चंद्र जी ऐसे बीमार लोगों की क्या करते थे बच्चों? सेवा करते थे। कुछ लोगों को किसी के द्वारा किए जाने वाले अच्छे कार्य बुरे ही लगते हैं। कई लोग अच्छा कार्य करते हैं तो दूसरों को बुरा लगता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे, हैदर नाम के एक गुंडा आदमी था। क्या था? गुंडा, जो सुभाष चंद्र को अच्छे कार्य करके जलता था, ईर्ष्या करता था। वो उनकी सेवा कार्य से आलोचना करता था, कहता था कि ये तो गलत काम कर रहा है, ये तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा है। लेकिन इसी बीच हैदर के परिवार को भी जो है क्या हो गया बच्चों? हैजा हो गया। जो व्यक्ति ये कह रहा था कि सुभाष चंद्र गलत काम कर रहे हैं, उसी व्यक्ति के पूरे परिवार को भी हैजा हो गया। और सुभाष चंद्र ने ऐसा नहीं सोचा कि ये मेरे लिए आलोचना करता है, मुझे इसकी सेवा नहीं करनी चाहिए। नहीं, सब लोगों ने उन्हें मना किया कि इसकी सेवा मत करो, ये गलत आदमी है, गुंडा है। लेकिन वो नहीं माने। उन्होंने उसके पूरे परिवार की जो है जीत तोड़कर रात दिन लगकर उनके परिवार की क्या की बच्चों? सेवा की, और उनकी सहायता करने के लिए आगे आए। और कई लोगों ने उन्हें मना भी किया, लेकिन नहीं, उन्होंने उसे क्षमा कर दिया। बोले हमें क्षमा करना चाहिए, कोई गलत करता है तो हमें उनको गलत नहीं उनके साथ करना चाहिए, उनको क्षमा करके। और उन्होंने उनके परिवार की खूब सेवा की बच्चों। उन सभी ने मिलकर हैदर के घर के आसपास की सफाई की, घर का काम किया। यह देखकर हैदर को बहुत शर्मिंदगी हुई। उसने कहा मैं तो इस आदमी को बुरा बता रहा था, इसकी आलोचना करता था, और इसने मेरे परिवार की सेवा की है, मेरे घर के आसपास गंदगी उठाई है, सफाई की है। तब उनको बहुत बुरा लगा। यह देखकर वो और रोने लग गए। वो उन्होंने सुभाष से माफ़ी मांगी। तो सुभाष जी बोले कि आप रो मत, आपके परिवार के सभी लोग ठीक हो जाएंगे, आप दिक्कत मत करो, हम तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। और किसी के दुख के साथ ही तो मनुष्य का धर्म है, किसी के दुख के साथ जो है खड़े रहना ही हमारा धर्म है। कोई दुखी है तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, बल्कि उसे गलत नहीं बताना चाहिए। इसी प्रकार एक महान और दूसरे व्यक्ति के बारे में मैंने आपको सुभाष जी के बारे में बताया। ऐसे थे हमारे महान सुभाष चंद्र जी, जिन्होंने दुष्ट व्यक्ति को भी जो है गले लगाया और उसका हृदय परिवर्तित कर दिया। इसी में एक और महान लाल बहादुर शास्त्री जी, लाल बहादुर शास्त्री भी बच्चों व्यवहार से कुशल और सूझबूझ वाले थे। हर बात को जो फटाफट समझ लेते थे और बड़ी से बड़ी समस्याओं को पट में हल कर देते थे। ऐसे हमारे महान तीसरे लाल बहादुर शास्त्री के बारे में बता रही हूँ। ये कठिन समस्याएं और बड़ी बड़ी समस्याओं को आसानी से सुलझाने वाले थे। बच्चों बात है कानपुर की, कि क्रिकेट का एक बार मैच चल रहा था, टेस्ट मैच चल रहा था। उन दोनों श्री लाल बहादुर शास्त्री जी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। कौन थे बच्चों? गृह मंत्री। वे भी वहां पर गए मैच देख रहे, वे मैच देख रहे थे। इसी बीच छात्रों को लेकर लड़ाई झगड़ा हो गया। क्या हो गया बच्चों? छात्रों और पुलिस में लड़ाई झगड़ा हो गया। जब मैच चल रहा था, इसी बीच किसी बात को लेकर छात्रों और पुलिस में कहासुनी हो गई। इस पर सभी छात्र भड़क गए, मामला बिगड़ता गया। यह देखकर शास्त्री जी ने छात्रों को समझाया। सभी ने एक स्वर में मांग की कि ये लाल पगड़ी वाले, लाल पगड़ी यानी पुलिस वाले कौन सी पगड़ी पहनते थे? लाल। उन्होंने कहा कि जब यहाँ मैच हो, ये लाल पगड़ी वाले यहाँ नहीं आएंगे।
तब शास्त्री ने कहा ठीक है अब आप शांत हो जाओ, ये नहीं आएंगे। शास्त्री जी असमंजस में पड़ गए, लाल पगड़ी यानी पुलिस का रहना, अगर पुलिस नहीं रहेगी तो फिर अनुशासन कहाँ रहेगा बच्चों। हम देखते हैं अरे पुलिस वाला है, अच्छे से खड़े रहो, गुंडागर्दी नहीं होती है। नहीं तो हमारे समाज में कितनी गुंडागर्दी, कितनी अव्यवस्था, कितना अनुशासनहीनता फैलती जा रही है बच्चों। तो उन्होंने सोचा कि लाल पगड़ी वाले नहीं आएंगे, मतलब अर्थात पुलिस वाले नहीं आएंगे तो कौन व्यवस्था बनाएगा। लेकिन उस समय चुप रहा और उनको चुप करा दिया। और अन्य उन्होंने फिर उन्होंने छात्रों से कहा ठीक है आप जो आज मैच हो जाने जीत दीजिए, कल आपको लाल पगड़ी वाले नहीं देखेंगे। दूसरे दिन फिर मैच शुरू हुआ बच्चों। उस दिन वो लाल पगड़ी नहीं पहन के आए, खाकी पगड़ी पहन के आए। तो दूसरे दिन भी पुलिस वालों को उन्होंने छात्रों ने देखा तो उन्होंने कहा कि हमने आपको मना किया था कि लाल पगड़ी वाले नहीं आएंगे। तो उन्होंने अपनी होशियारी से, चालाकी से, समझदारी से बच्चों, सूझबूझ से उनको कहा कि तुम लोगों ने कहा था कि जो लाल पगड़ी वाले नहीं आएंगे, आज आप एक भी बता दो कौन लाल पगड़ी में है। तब उन छात्रों ने देखा कि ये तो कितने होशियार है, कितने समझदार है, हमने तो यूँ नहीं कहा था कि पुलिस वाले नहीं आएंगे, हमने कहा था लाल पगड़ी वाले नहीं आएंगे। तो उन्होंने ये कह दिया कि देखो कोई लाल पगड़ी में नहीं है। इस प्रकार बच्चों उन्होंने उन छात्रों की बात को बताया तो जब छात्र भी हैरान रह गए उनकी सूझ और समझदारी को देखकर, और फिर वे लोग भी चुप हो गए। तो इस प्रकार उन्होंने शास्त्री उन्हें समझा बुझा दिया और वो ये बातों को मानकर चले गए। ऐसे सचमुच व्यवहार कुशलता से कठिन कार्य में भी सरलता से हल कर देते थे तथा बड़ी से बड़ी समस्याएं आसानी से सुलझ जाती थी। सूझबूझ से काम लेने वाला व्यक्ति कभी असफल नहीं होता, समझदारी से, बुद्धि से। अगर शास्त्री जी घबरा जाते फिर दूसरे दिन पुलिस वाले नहीं आएंगे तो कौन व्यवस्था बनाए रखेगा। इसलिए उन्होंने पुलिस वाले भी आए, बात भी बन गई और छात्र भी चुप हो गए। तो ऐसे हमारे तीन महान व्यक्तियों के बारे में आपको मैंने बताया, आप इनको एक बार और बुक से अच्छे से पढ़िएगा, जो समझ में आए आप मेरे से पूछ सकते हैं बच्चों। और उसके बाद जो आप चैप्टर 7 लिख के प्रेरक व्यक्तित्व और एक जो है शब्दार्थ है अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना। पढ़ाई करो अच्छे से, लर्न करो, पेपर दो, घर में खुश रहो, बड़ों का कहना मानो, ठीक है बच्चों। यही है, अच्छे से थोड़ा बहुत मस्ती भी करो लेकिन लर्न जरूर करना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, ओके। तो ये आप लिख लेना, इसके जो क्वेश्चन आंसर है मैं नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगी, ओके बेटा, थैंक यू, खुश रहूँ।